सबको जय यीशु की, प्रभु यीशु क्रिस्त में। प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 23 तारीख है, मंगलवार है, और आज के दिन का मुख्य विषय है ईश्वर के वचन को सुनने के बारे में, समझने के बारे में, ग्रहण करने के बारे में और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने के बारे में। प्रभु हम सबों को आज के दिन में निमंत्रण देता है, बुलाता है। वैसे ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है, दुधारी तलवार से तेज है और हमारे अंतरतम में प्रवेश करता है। इस बात को हम लोगों ने इब्रानियों के नाम के पत्र अध्याय 4 वचन के 12 में हमने पढ़ा है, लेकिन उसके अतिरिक्त हम सबों का अनुभव होगा कि ईश्वर का वचन कैसे हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, सांत्वना देता है, बल देता है, हिम्मत देता है, साहस देता है, हमें शुद्ध करता है, ईश्वर के उस प्यार का एहसास कराता है, उसके सानिध्य में उसके अनुग्रह को पाने के लिए हमें सिखाता है। ये सारी बातों को हम लोगों ने अनुभव किया होगा। और सच में मैं इस बात को कह सकता हूँ, जब जब मैं प्रभु का वचन पढ़ता हूँ या मनन चिंतन करता हूँ, स्पेशली मेडिटेशन करता हूँ, इतना आनंद, इतनी खुशियाँ हमें मिलती हैं, उसकी उसका बयान करना मुश्किल हो जाता है कई बार, क्योंकि देर इज लॉट मोर टू अचीव फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। बहुत कुछ बातें हर दिन हमें सीखने के लिए हैं, हमें आनंद मनाने के लिए हैं, हमें बल पाने के लिए हैं। हर दिन ईश्वर का वचन सब कुछ हमें परिपूर्ण जीवन से भर देता है। तो आज के दिन का ये विषय है, ये प्रभु यीशु मसीह मुख्य रूप से कहता है, जो मेरी बातें सुनता उसका पालन करता है, वही मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे बहन और मेरे साथ इस प्रकार का रिश्ता वो रख सकते हैं। इस बात का खुला निमंत्रण प्रभु यीशु ने हम सबों को दिया है। इसलिए आज के सुसमाचार पर जरा हम ध्यान रखें, उसके उस पर नज़र डालें। यहाँ पर लिखा है संत मार्कुस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 3 प्रसंग के 31 से 35 के प्रसंग में लिखा है, उस समय ईसा की माता और उसके भाई आए, उन्होंने घर के बाहर से उन्हें बुला भेजा। प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के राज्य के प्रचार प्रसार के कार्य में व्यस्त थे और हो सकता है बड़े लंबे समय से उनके घर के लोगों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके भाइयों ने उनको देखा नहीं, उनसे मुलाकात नहीं की, इसलिए उनको लगा कि ये व्यक्ति कहाँ पर है, क्या कर रहा है, कैसे है, हो सकता है उनको चिंता हुई, इसलिए वो लोग उसको मिलने आए, उससे मिलने आए। अगर एक दिन दो दिन ना जाए घर में, मैं समझ सकता हूँ उनको पता था कि अपने काम में व्यस्त है, कल आएगा, परसों आएगा, लेकिन मैं समझता हूँ प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के राज्य के प्रचार प्रसार के कार्य में इतना व्यस्त थे, लंबे समय तक वो अपने रिश्तेदारों से, घर परिवार के लोगों से नहीं मिले होंगे, तब जाके उसके उसकी घर के लोग, उनकी माता, उनके भाई उनसे मिलने आए और बाहर से उन्होंने आवाज़ दी या बुला भेजा कि हम देखना चाहते। इस लोग ईसा के चारों ओर बैठे हुए थे, इसलिए वो शायद अंदर नहीं आ पाए, लोग बैठे हुए थे, उन्होंने आए करके संदेश भेजा। उन्होंने उनसे कहा, देखिए आपकी माता और आपके भाई बहनें बाहर हैं, देखिए आपकी माता, आपकी भाई बहनें बाहर हैं, वे आपको खोज रहे हैं। यानी कि वो खोज करते आए, इसके मतलब यह है बहुत लंबे समय तक प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के राज्य के प्रचार प्रसार के कार्य में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने लंबे समय तक नहीं देखा, इसलिए खोज करते हुए, ढूंढते हुए कहाँ है यीशु, इस बात की खोज करते हुए आए। और क्या हुआ, ईसा ने उत्तर दिया, जब उनको पता चला कि उनकी माँ, भाई, बहन खोज करते हुए आए हैं, उनको पता चला, उन्होंने उत्तर दिया, कौन है मेरी माता, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। उन्होंने अपने चारों ओर बैठे हुए लोगों पर दृष्टि दौड़ाई और कहा, यह है मेरी माता, मेरे भाई, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वही मेरा भाई, मेरे बहन और मेरी माता है। जब उनको पता चला कि उनकी माता, भाई, बहन आए हैं, वो तुरंत सवाल करते हैं, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरे बहन, और उसका उत्तर स्वयं प्रभु देते हैं, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है।
जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वह है मेरी माता, मेरी भाई, मेरे बहन। यानी कि भाइयों बहनों, हम सबों के लिए प्रभु के उस करीबी रिश्तेदारी के समान प्रभु के साथ इस प्रकार का रिश्ता जोड़ने का एक निमंत्रण प्रभु हमें देते हुए कहता है, उनके मां जैसे, भाई जैसे, बहन जैसे अगर हमें बनना हो तो स्वर्गीय पिता की इच्छा को जानना होगा, स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करना होगा, जो कि बहुत कठिन है। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21-22 में वहां पर लिखा है, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सबके सब स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज में प्रवेश करेगा। ये बात प्रभु यीशु ने हमें कहा है। और आगे पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, जो मेरी बातें सुनता और उसके अनुसार चलता वह समझदार मनुष्य है, जो मेरी बातें सुनता उसके अनुसार नहीं चलता वो मूर्ख के सदृश है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करता है वही प्रभु का रिश्तेदार बन सकता है, भाई बहन या माता बन सकता है। यानी कि इस प्रकार का निमंत्रण खुला है सभी लोगों के लिए। इसलिए हमें प्रभु की, ईश्वर की इच्छा को जानने की जरूरत है, ईश्वर की इच्छा को जानते हुए उसके अनुसार जीवन व्यतीत करने की जरूरत है। केवल मैं एक ईसाई हूँ, एक ईसाई नाम लिया, मैंने बपतिस्मा ग्रहण किया, उसके बाद चर्च से लेना देना नहीं, चर्च से जाना नहीं, आना नहीं, संस्कार में भाग नहीं लेना, प्रार्थना नहीं करना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्वर्ग राज्य में जाऊँगा। स्वर्ग राज्य बपतिस्मा संस्कार स्वर्ग जाने, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने की कोई गारंटी सर्टिफिकेट नहीं है। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमें प्रभु हमें आज के दिन में बताता है ईश्वर की इच्छा को पूरी करना, और ईश्वर की इच्छा को पूरी करना आसान तो नहीं है। स्वयं प्रभु यीशु मसीह इस बात का उल्लेख करता है, जब वो गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना कर रहे थे उनको बहुत कठिन लगा, आने वाले दुख दर्द पीड़ा परेशानियों को देखकर उनको बहुत घबराहट हुई, दुख लगा, और वो उन खून के पसीनों से लथपथ थे। तब वो ईश्वर से प्रार्थना करते, पिता यदि संभव हो तो यह प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन यदि आपकी इच्छा हो कि मैं इस प्याले को, कड़वे प्याले को पीऊं, इस कष्ट को सहूं, तो मैं तैयार हूं। इस प्रकार से प्रभु अपने आप को समर्पित करता है। यानी कि ईश्वर की इच्छा पूरी करना इतना आसान नहीं। इसलिए प्रभु यीशु ने हम सबों के सामने ये चैलेंज रखा है, चुनौती रखी है, जो ईश्वर की इच्छा को पूरी करता है वही प्रभु का भाई बहन और करीबी रिश्तेदार बन सकता है। अगर प्रभु के इस प्रकार से प्रभु के साथ जुड़े रहना हो, भाइयों बहनों, मुझे और आपको, हम सबों को वो त्याग तपस्या करना होगा, बहुत कुछ बातों को छोड़ना होगा, त्यागना होगा, और प्रभु के साथ बिल्कुल घुल मिलना होगा, तब जाके हम प्रभु के करीब रिश्तेदार बन सकते हैं। केवल ईसाई नाम से ईसाई नहीं होता, बपतिस्मा से ईसाई नहीं होता, ईसाई तब होता है जब ईश्वर की इच्छा को जानता है, समझता है, उसके अनुसार चलता है, तब ईसाई ईसाई जीवन होता है। प्रभु यीशु ने यही हमें सिखाया। प्रभु यीशु मसीह का जीवन इस धरती पर कोई आयश आराम का जीवन नहीं था, क्रूस का जीवन था, कठिनाइयों का जीवन था, चुनौतियों का जीवन था। पल पल पर लोग उनके विरुद्ध खड़े होते थे, उनके उंगली उठाने के लिए, उनको फंसाने के लिए, और उसके बावजूद प्रभु ने सच्चाई पर, वो स्वयं सत्य थे, सत्य के मार्ग पर रहे, सत्य के मार्ग पर चले, सत्य का जीवन जिया, और यही बात सत्य प्रेम न्याय शांति क्षमा का जीवन हम सबों को सिखाया। उस पर चलने के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं, उस पर चलना ही ईश्वर की इच्छा पूरी करना है। इसलिए आज के दिन में हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें सिखा कि हम उस जो वचन हमने आज के दिन में सुना है उस वचन की गहराई में हम सभी जाने वाले बने, उस पर मनन चिंतन करते हुए जो प्रभु आपके दृष्टि में उचित है उस जीवन को हम सभी जीने वाले बन सके। हम सबों को कृपा शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।